दुकानदार के घर डकैती, मौके पर पहुंचे कप्तान। चुनावी मौसम के चलते पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने की जितनी चाहे कोशिश कर ले, लेकिन अपराधी पुलिस की इज्जत पर बत्ता लगाने से पीछे नहीं रहे। गुजरी रात बरेली के थाना सीबीगंज के खाते में डकैती का मामला दर्ज हो ही गया। शहर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर रोड पर लबे सड़क बसे थाना सीबीगंज के गांव महेशपुरा में गुजरी रात 6 नकाबपोश बदमाशों ने खाना बेचने वाले अब्दुल अतीक के बेटे अफसर अली के घर धावा बोल दिया और जेवर और नकदी लूट ले गए। सूचना पर थाना पुलिस के पसीने छूट गए आनन फानन पर आला अफसरान को खबर की गई, जिस पर एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। पुलिस कप्तान ने बताया कि मामला को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्राइम ब्रांच और दूसरी टीमें लगाई गई हैं, जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। बरेली से मोनू पांडे व मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। 4-5 लीटर के इसका मुंह ढक दिया, मुंह ढक के थी, फिर उसको ले गए उठा के दूसरे वाले को उठवाया, उससे बातचीत करी हुई, उसे भी बांध के दोनों बंगों को दोनों लड़कों को इसमें कर दिया, फिर लौटते रहे अपने। और दूसरे का रोल रोल सर जानना चाहेंगे सर, यहाँ क्या पूरा घटनाक्रम क्या? ये थाना सीबीगंज क्षेत्र में महेशपुर गांव में आज रात्रि सुबह लगभग 3:30 के आसपास एक घटना हुई है, जिसमें इनका ये कहना है कि 5-6 लोग आए और हमारे यहाँ से सामान लूट के लेके गए हैं। पैसे जो बताए जा रहे हैं वो दोनों भाई 80,000 रुपये के आसपास बताए जा रहे हैं, कुछ उसमें सोना चांदी है जो बिल लिस्ट इन्होंने दी नहीं है। ये बहुत नॉर्मल फैमिली है जिसके यहाँ ये घटना हुई है। अफसर अली जो बिरयानी का एक ठेला लगाता है और उसके भाई जिनके यहाँ पर दोनों के यहाँ घटना हुई है और 6-7 लोग इन्होंने बताए हैं, मुकदमा कायम कर दिया है 395 का डकैती का। हम लोग वर्कआउट कर लेंगे, हम लोगों ने क्राइम ब्रांच और सही तीन टीमें लगाई एसपी सिटी के नेतृत्व में और सीओ के नेतृत्व में और क्राइम ब्रांच के नेतृत्व में, तीनों टीमें लगा करके हम वर्कआउट कर लेंगे, मुकदमा कायम हो गया है, वर्कआउट कर रहे हैं हम।